आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए मंगलवार को दिल्ली के एम्स लाया गया था, लेकिन एम्स ने भर्ती करने से मना कर दिया। दिल्ली के डॉक्टरों की सलाह पर रांची के रिम्स लौटने के लिए लालू प्रसाद यादव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में फिर एयरपोर्ट से लालू प्रसाद यादव को सीधे एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। 22 मार्च को लालू प्रसाद यादव की खराब सेहत का हवाला देकर दिल्ली स्थित एम्स के लिए रेफर किया गया था। इसके बाद लालू प्रसाद यादव के परिजन चार्टर्ड विमान से उन्हें दिल्ली लेकर आए, लेकिन एम्स ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि एम्स के डॉक्टरों ने लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स में ही इलाज कराने की सलाह दी थी। हालांकि दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने जांच के बाद स्पष्ट कर दिया था कि लालू प्रसाद यादव को यहां इलाज कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्हें सुबह 3 बजे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। अब फिर से दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव भर्ती हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव का क्रिएटिनिन लेवल 4.1 से बढ़कर 4.6 हो गया था, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लालू प्रसाद यादव के वर्तमान स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की अनुशंसा जेल प्रशासन से की थी, जिसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया था। लेकिन दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखने के बाद लालू प्रसाद यादव को वापस रांची लौटने की सलाह दी थी, लेकिन वापस लौटने के दौरान फिर लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई। फिलहाल दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है।